क्रिकेट में दो बड़े बदलाव आने वाले हैं। एक तो आईसीसी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है और दूसरा लगभग कंफर्म होने वाला है। अगर आप क्रिकेट के बड़े फैन हो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो बदलाव आने वाला है वो है ओडीआई क्रिकेट को लेकर। एमसीसी ने सुझाव दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई बायलैटरल सीरीज को कम कर दिया जाए। जो एमसीसी के बारे में नहीं जानते उनको बता दें कि एमसीसी द्वारा क्रिकेट के रूल्स बनाए जाते हैं क्योंकि उनके पास ही इसका कॉपीराइट है। अगर एमसीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसको लेके एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि अगर इस वीडियो में एमसीसी के बारे में बताने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एमसीसी ने फैसला लिया है कि जिस तरह से दुनिया भर में T20 के टूर्नामेंट्स बढ़ रहे हैं तो उनको भी कुछ देना चाहिए। उनका मानना है कि अब ओडीआई के जो बायलैटरल सीरीज है उनको बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एक साल ही रखना होगा। इससे साल भर प्लेयर्स को स्पेस मिलेगा ताकि वो दुनिया भर में हो रहे T20 के टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सके क्योंकि इस तरह के लीग खेलने के लिए बहुत सारे क्रिकेटर्स समय से पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं जो कि क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे जेसन रॉय ने US मेजर लीग खेलने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, वैसे ही मार्टिन गप्टिल और ट्रेंट बोल्ट ने भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। अब तो IPL भी बढ़कर 2 महीने का हो गया है और IPL की फ्रेंचाइजी भी दूसरी T20 लीग में भी अपना टीम खरीद रही है। इसी वजह से फ्रेंचाइजी की तरफ से भी प्लेयर्स को ओयाली कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया जा रहा है। हाल ही में जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर को भी ऐसा ऑफर दिया गया है उनकी फ्रेंचाइजी की तरफ से। इस बढ़ती T20 टूर्नामेंट्स के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को सही तरह से चलाने के लिए MCC ने ये रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। दूसरा जो बदलाव है वो T20 लीग्स के लिए लिया गया है। ICC के इस रूल्स के मुताबिक अब सभी T20 लीग्स के प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 विदेशी खेल सकते हैं। IPL में तो सिर्फ 4 विदेशी प्लेयर खेला जाता है लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लीग्स हैं जहां पर 4 से भी ज्यादा 7-8 विदेशी प्लेयर्स भी खेलते हैं प्लेइंग 11 में। करंटली हो रहे US मेजर लीग में भी आप देख सकते हैं कि 4 से भी ज्यादा विदेशी प्लेयर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं जो कि ये नहीं खिला पाएंगे जब से ये रूल लागू हो जाएगा। ओवरसीज प्लेयर के अलावा प्लेइंग 11 में जो 7 लोकल प्लेयर होंगे उनमें अब एसोसिएट प्लेयर को भी शामिल किया गया है। क्वालिटी एसोसिएट प्लेयर के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि एसोसिएट प्लेयर को पहले ओवरसीज प्लेयर में गिना जाता था जिनकी वजह से उनको उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको लोकल प्लेयर में गिना जाएगा इसके वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा मौका भी मिलेगा। IPL में दिल्ली के लिए खेलने वाले नेपाल के लामी चाने, केकेआर के लिए खेलने वाले नामीबिया के डेविड डुसी ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स को उतना मौका नहीं मिलता था क्योंकि उनको ओवरसीज प्लेयर में गिना जाता था, लेकिन अब वो ओवरसीज प्लेयर के स्पॉट को लिए मिला ही टीम में खेल पाएंगे और इस रूल की वजह से शायद उन जैसे प्लेयर्स का प्राइस भी बढ़ जाए अगले ऑप्शन में। एसोसिएट्स के और भी कुछ क्वालिटी प्लेयर्स हैं जैसे नीदरलैंड के बास्टिलेडे, लोगन हेनरिक, स्कॉट एडवर्ड, स्कॉटलैंड के ब्रेंडन मैकुलन, क्रिस चोले, रिची वेलिंगटन, नाइबिया के जेरार्ड एस्मस, यहाँ तक कि कोरियन नेशनल राष्ट्रीय तेरन और लियाम प्लंकेट जैसे प्लेयर जो अब USA के लिए खेलते हैं वो भी अब IPL में खेल पाएंगे बिना ओवरसीज प्लेयर के स्पॉट को लिए। इस रूल की वजह से IPL में क्रिकेट की क्वालिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि IPL के लिए प्लेयर पूल बढ़ेगा, टीम ऑलराउंडर बढ़ेंगे और लेफ्ट आर्म पेसर भी बढ़ेगा। इस रूल की वजह से एक नुकसान भी होगा जो होगा हमारे घरेलू क्रिकेटर्स का क्योंकि 4 विदेशी प्लेयर के अलावा प्लेइंग 11 में जो 7 लोकल प्लेयर्स होते थे उनमें अब एसोसिएट्स को शामिल किया गया है तो नेचुरली जो इनएक्सपीरियंस घरेलू क्रिकेटर्स है उनका अब मौका कम हो जाएगा। गायकवाड, जायसवाल जैसे प्लेयर जिन्होंने IPL से अपना पहचान बनाया है अब घरेलू क्रिकेटर्स के लिए ये चांसेस कम हो जाएंगे। क्रिकेट में बदल रहे रूल्स के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।